हेलो एवरीवन। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में वो दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप देख सकते हो मेरे फ़ोन की बैटरी 3% है, फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रहो, आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। इस बात पर वीडियो को यार पक्का एक लाइक करके जाना। और यार देखो, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसे अपडेट बिल्कुल रियल टाइम में चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर टैलेंट स्टडियो पर जाकर हमसे पूछ सकते हो। हम 100% ट्राई करेंगे कि आपको आपके सारे क्वेरीज का आंसर मिल जाए। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि बात है क्या। तो यहाँ पर बिजनेस टुडे, आपको पता है मीडिया एजेंसी है, इनके साइट से एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस एक ये कॉलेज है और एडमिशन ब्रांच DU का जो एडमिशन ब्रांच है उनके बीच में एक कोलैब हुआ था। उसमें जो DU के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो DU के कट ऑफ्स हैं वो सितंबर से पहले आने के चांसेस कम हैं, मतलब सितंबर के पहले आ जाएं DU के कट ऑफ्स, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों किया इसका भी रीज़न आगे बताया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि कल 18th of July है और आपके कल रजिस्ट्रेशन की डेट लास्ट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो यार अब डिले मत करो, लास्ट डे का इंतजार मत करना। आखिरी दिन बहुत रश हो जाता है, फिर आपके फॉर्म में कुछ भी यू नो दिक्कत हो गई तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो कट ऑफ्स हैं वो कट ऑफ सितंबर से पहले आने के चांसेस कम हैं, ये DU के ऑफिशियल्स ने बताया। अब क्यों चांसेस कम है मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो देखो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो नीट और JEE के जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स भी DU के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी DU का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनकी जो नीट और JEE की एग्ज़ाम है वो सितंबर में है। तो जो उनको एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो जाए इसलिए इन्होंने हमारे जो कट ऑफ्स हैं उनको सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया, ये इन्होंने रीज़न दिया है इस चीज़ का। अब बात यह है कि कट ऑफ्स का इस साल क्या अपडेट होगा, कट ऑफ्स में क्या इंक्रीज़ या क्या डिक्रीज़ होगा, तो उसका भी इन्होंने नीचे बताया। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे बता दूँ। देखो आप सबको पता होगा कि इस साल जो 95% से ज़्यादा स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, देखो अब तो बैटरी भी मेरी 2% की हो गई है, तो इस साल 95% से स्कोर करने वाले से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर बिल्कुल डबल हो गए हैं। तो इस साल कट ऑफ हायर तो जाएगी, लेकिन कितनी हायर जाएगी इसका आइडिया अभी तक हमें नहीं था, पर इन्होंने अब हमें आइडिया दिया है। तो वो क्या है कि एक मिनट, हाँ, पंकज गर्ग एक ये फॉर्मल एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पहले लिस्ट में तो कट ऑफ हाई होती ही होती है, हर साल होती है और बाद में घटती है, लेकिन इस साल जो 5th और 6th लिस्ट है उनकी भी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर कंपैरिजन में 2 या 3% हाई होगी। तो यार ये अपडेट थी। अब मैं बात करूँगा क्या एक्चुअली में कट ऑफ 2 या 3% हाई हो सकती है इवन इन 5th और 6th लिस्ट। तो मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, तो मेरे हिसाब से देखो अब जो टॉप कॉलेजेस हैं हंसराज, हिंदू, SRCC, उनमें तो यार 2-3% इंक्रीज़ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जिनकी परसेंटेज ऑब्वियसली 97-98 है वो इतना इंक्रीज़ नहीं कर सकते, वो उनमें मैक्सिमम इंक्रीज़ होगा तो 0.5 या 0.75 तक का इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन अगर हम Tier 2 कॉलेजेस की बात करें जिनकी कट ऑफ 90s में या 80s में जाती है, उनमें बिल्कुल इतना इंक्रीज हो सकता है, 2-3% का इंक्रीज हो सकता है। अब तो यार लेकिन पता नहीं एक्चुअली में क्या है, वो तो इस साल कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता, आपको भी पता है कि इस साल प्रेडिक्शन बहुत मिसलीडिंग होती है। पर हाँ, ये क्विक वीडियो थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप टैलेंट शेड्यूल पे जाके हमसे पूछ सकते हो, उस पेज को फॉलो कर लेना, प्रिंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पर आपको DU, DU JAT और बाकी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट वीडियोज़ करेंगे। सो या दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।